हेलो एवरीवन, जय श्री राधे राधे जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे एक सिंगल कलर से बनने वाली एक आसान सी बुनाई। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 24 फंदे डाल लिए हैं। 5-5 के मल्टीपल में आपको फंदे लेने होंगे और प्लस 2 फंदे एज ए स्टिच के लिए और 2 फंदे आपको एक्स्ट्रा लेने होंगे डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट करने के लिए। मतलब टोटल आपको 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे। 24 फंदे डाल लेने के बाद में मैंने 2 सिलाई उल्टी उल्टी निकाल ली और अब हम डिज़ाइन की शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक फंदा एज ए स्टिच उतार लेंगे, 2 फंदे सीधे, एक बार धागा घुमा लेंगे अपनी सिलाई पर और इन बाकी के 3 फंदों को हम देखें क्या करेंगे। 3 फंदों को एक बार हम बुन लेंगे ऐसे, सीधा बुन लेंगे। और अब ये तीसरा फंदा जो दिख रहा है ना, इसको आप नहीं बुनेंगे, आगे के 2 फंदों को ही आप फिर से एक बार और बुन लेंगे। मतलब जो हमने 3 फंदे किए थे, 3 फंदों का हमने 2 फंदे किए ना, तो वो इधर में एक जाली से ये बढ़ गया, तो वापस हमें 3 फंदे मिल गए। फिर से डिज़ाइन को शुरुआत करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा घुमाएंगे ऐसे, इन 3 फंदों का एक कर लेंगे पहले, फिर इस तीसरे फंदे को नहीं बुनेंगे, इस वाले तीसरे फंदे को नहीं बुनेंगे। ये जो 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को एक बार और सीधा सीधा ऐसे बुन लेंगे। ऐसे बुन लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, धागा घुमा लेंगे, इन 3 फंदों को एक बार ऐसे बुन लेंगे। और फिर इन 2 फंदों को ऐसे बुन लेंगे, तीसरे फंदे को नहीं बुनेंगे। तीनों फंदों कैसे छोड़ देंगे, 2 फंदे सीधे, धागा घुमाएंगे, इन 3 फंदों को पहले एक बार बुन लेंगे, फिर इस 3 फंदों को तीसरे फंदे को छोड़ करके पहले 2 फंदे को हम बुन लेंगे ऐसे। ऐसे छोड़ देंगे, फिर 2 फंदे सीधे, एक फंदा एज स्टिच सीधा ही बुन लीजिएगा। आ जाते हैं डिज़ाइन की दूसरी सिलाई में हम क्या करेंगे, एक फंदा एज स्टिच उतार लेंगे, 2 फंदों को तो हम सीधा उल्टा ही बुनेंगे और फिर एक बार धागा ऐसे घुमा लेंगे और फिर इन 3 फंदों को एक बार हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे, फिर इस तीसरे फंदे को नहीं बुनेंगे यहाँ से उल्टी तरफ से भी, और इन 2 फंदों को हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे और फिर इस फंदे को भी ऐसे उतार देंगे। फिर ये जो 2 फंदे हमने यहाँ सीधे बुने थे ना, उस सीधे फंदों को यहाँ हम उल्टा बुन लेंगे और इन डिज़ाइन वाले फंदे को, जो डिज़ाइन के हमने 3 फंदे लिए थे, इनके लिए भी हमें एक बार ऐसे धागा घुमाना होगा और फिर इन 3 फंदों को एक बार ऐसे बुन लेंगे और फिर ये तीसरे फंदे को ऐसे छोड़ देंगे और आगे के इन 2 फंदों को ऐसे बुन लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, इन 3 फंदों को भी एक बुन लेंगे पहले, सॉरी धागा घुमाएंगे, इन 3 फंदों को एक बुन लेंगे, फिर इस तीसरे फंदे को छोड़ देंगे, इस वाले तीसरे फंदे को, और इस आगे वाले 2 फंदे को ऐसे एक बार और उल्टा ही बुन लेंगे। अब की बार इन्हें हम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टी सिलाई में, 2 फंदे उल्टे, एक बार फंदा
ऐसे धागा घुमा लेंगे, तीन फंदों को एक बार उल्टा बुन लेंगे, इस तीसरे फंदे को छोड़ देंगे और एक बार इसे फिर से दो फंदों को से बुन लेंगे उल्टा और फिर बाकी सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से ये टोटल दो सिलाई में बनने वाला डिज़ाइन है। एक बार और देख लेते हैं थोड़ा। पहला फंदा उतार लेंगे, दो फंदे सीधे धागे को अपनी तरफ से ऐसे घुमाएंगे और इन तीन फंदों का पहले एक कर लेंगे, फिर इस तीसरे फंदे को छोड़ते हुए आगे वाले दो फंदे को एक बार और ऐसे बुन लेंगे। फिर दो फंदे सीधे धागा ऐसे घुमाएंगे और इन तीन फंदों को पहले तीन का एक कर लेंगे, पीछे वाले फंदे को नहीं बुनेंगे, आगे वाले फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे। दो फंदे सीधे ये धागा घुमाएंगे, इन तीन फंदे का पहले एक कर लेंगे, उस तीसरे को नहीं बुनेंगे, आगे वाले दो फंदे को फिर से एक बार और ऐसे हम बुन लेंगे। इस तरह से आपकी ये पैटर्न की फर्स्ट जो सिलाई आपकी पूरी होती है। एक बार और मैंने आपको ये सिखा दिया है। इस तरह से उल्टी सिलाई में हम वही करेंगे। एक फंदा उतार लेंगे, दो फंदे उल्टे धागा घुमाएंगे अपनी तरफ से ऐसे, और जो तीन फंदे हमने डिज़ाइन के किए थे उन्हें एक बार पहले उल्टा ऐसे एक साथ बुन लेंगे, फिर इस फंदे को ऐसे छोड़ देंगे, लास्ट वाले फंदे को नहीं बुनेंगे, पहले वाले दो फंदों को भी फिर उल्टा ही बुन लेंगे ऐसे। दो फंदे फिर से उल्टे, इस तरह से डिज़ाइन की मैंने आपको चार सिलाई बना करके दिखा दी है और इसका लुक कुछ इस तरह से आता है। अभी मैं आपको चार सिलाई और निकाल करके दिखाती हूँ कि ये सुंदर कितना सुंदर लगता है बनने के बाद में, इसका लुक कैसा आता है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन पूरा थोड़ा सा बन जाने के बाद में इस तरह से इसका लुक आता है। बहुत ही सुंदर ये बन करके तैयार होता है और आप इसे किसी भी लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर्स में या बच्चों के प्रोजेक्ट में इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल दो सिलाइयों से बनने वाला ये डिज़ाइन है और मैंने आपको ये भी थोड़ा चार से पांच सिलाई इसकी निकाल करके, मतलब आठ से दस सिलाइयाँ निकाल करके आप उसकी दिखा दी मैंने। बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन बन करके इस तरह से आता है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। अगले डिज़ाइन के लिए, अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।